हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे इज क्लास 11। आपका बिजनेस है, आज सब्जेक्ट जो है आपका बिजनेस है, जिसमें टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स। अब हम सर्विस और गुड्स के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सर्विस आप समझ रहे हैं कि हम उसको इनडायरेक्टली में प्रोवाइड करते हैं, और गुड्स है जिसको हम यूज करते हैं, प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट हमारे बने रहते हैं हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट इज क्लियर दैट टू मेन डिफरेंस कैरेक्टर्स ऑफ ए सर्विस एंड अ गुड्स आर ए नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ ऑनरशिप। अब इसमें बता रहा है कि जो हम ऑनरशिप है इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। गुड्स तो गुड्स है, सर्विस है तो सर्विस की ऑनरशिप है, तो सर्विस ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। गुड्स प्रोड्यूस करना है या गुड्स देना है, बनाना है, तो वो आपकी ऑनरशिप रहेगी। तो हम कभी भी इनकी दोनों की ऑनरशिप क्या हो सकती है, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ ए बोथ प्रोवाइडर एज वेल एज कंज्यूमर, व्हाइल गुड्स आर प्रोड्यूस सर्विस आर परफॉर्म। अब इसमें यही बता रहा है कि गुड्स हमारा क्या होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारा सर्विस है उसको क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी को कंज्यूमर को जो सर्विस होता है वो हमारा परफॉर्म करता है। जैसे हम आप लोग देखे होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, या आप देखते होंगे रेस्टोरेंट से जो आप खाना मंगवाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं। आजकल तो इन द प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आप ऑनलाइन से जो भी चीज़ें मंगाते हैं, जो भी गुड्स मंगाते हैं, वो सर्विस आपको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, समझा। वो आपके घर आते हैं, आपके प्रोडक्ट को पहुंचा के चले जाते हैं या डिलीवरी करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, सर्विस में आते हैं। और आपका गुड्स जो हो गया, जैसे खाना हो गया, या कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारी हैं जिनको हम उस करके क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हमको सर्विस भी प्रोवाइड हो जाते हैं, गुड्स भी। तो एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और सर्विस क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये बातों को याद रखिएगा कि आपका गुड्स क्या होता है, वो प्रोड्यूस होता है, और सर्विस क्या होती है, परफॉर्म करती है आपको। जैसे कोई वर्क करते हैं, परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्विस परफॉर्म होती है। सर्विस इज एन एक्ट विच कैन नॉट बी टेकन एट ए होम, व्हाट वी कैन टेक होम इज द इफेक्ट ऑफ द सर्विस एंड एज द सर्विस आर सोल्ड एट द कंजम्पशन पॉइंट देयर आर ए। अब इसमें कह सकते हैं कि आप सर्विस को क्या करते हैं, अपने घर पे ला के रखते नहीं है, समझे। गुड्स को जैसे आप परचेज करते हैं, अपने घर ला करके उस गुड्स को रखते हैं, यूज करते हैं। सर्विस को आप ला करके घर पे क्या करेंगे, रखेंगे नहीं, सर्विस आपको परफॉर्म करेगी, आपको घर तक लाने में मदद करेगी। वो स्टोर करके आप सर्विस को नहीं रख सकते हैं, सिर्फ गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ सर्विस है। टाइप ऑफ सर्विस में आपको कितने प्रकार के सर्विस होते हैं, तो बिजनेस सर्विस में क्या होते हैं, आपको बिजनेस अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे एग्जांपल में आपके हैं बैंकिंग में आपको क्या बैंकिंग प्रोवाइड करती है, एटीएम प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सभी आपको सर्विस प्रोवाइड होता है बिजनेस में। समझना, बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी सर्विस है आपको प्रोवाइड की जाती है, उसी को हम बिजनेस सर्विस करते हैं। कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमको सर्विस लोगों को प्रोवाइड करनी हो, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपके गुड्स यहाँ से वहाँ ले जाने पड़ते हैं, आपका वेयर हाउसिंग, आप गोदाम में अपने गुड्स को रहते हैं, कम्युनिकेशन, बैंकिंग के थ्रू आप इंश्योरेंस कराते हैं, आप लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ये सभी क्या चीजें हैं, सर्विस है। कुछ बुक का पॉइंट्स है जो हम आपको बता देते हैं। बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। अब ये बिजनेस के लिए, बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए ये सर्विस होती है, क्योंकि वो कंडक्ट ऑफ
एक्टिविटीज, अपने एक्टिविटीज को वो कंडक्ट कर सके परफॉर्म करें, उसको मार्केट में ला सके, यूज हो उसका। तो वही चीजें आपको बैंकिंग के थ्रू क्या करते हैं, बिजनेस आपको सर्विस मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट, ये सभी सब एग्जांपल है ओवरऑल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस भी आपकी होती है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है सोशल सर्विस के अकॉर्डिंग। सोशल सर्विस आर दो सर्विस दैट आर ए जनरली प्रोवाइड वॉलेंट्री इन ए परस्यूट ऑफ ए सर्टेन सोशल गोल्स। दिस सोशल गोल मेंट टू बी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ ए लिविंग और फॉर ए वीकर सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी, टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विस टू देयर चिल्ड्रेन, और टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड हाइजेनिक कंडीशन इन ए स्लम एरिया। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका सोशल सर्विस होता है, सोशल सर्विस भी हम यूज करते हैं, चलाते हैं कि जो लोग मिडिल है या बहुत पुअर है, एटलीस्ट मिडिल तो ठीक है, जो आपके सबसे पुअर लोग हैं, उन स्लम एरिया के लोग हैं, उनको हम क्या कर सके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, उनको आप अपनी उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको आप उसको इम्प्रूव कर सके। ये सभी चीजें आपके सोशल वर्क के लिए भी आपको बनाया जाता है। जैसे एनजीओ है, एनजीओ देखे ना आप, एनजीओ क्या करती है, ये ऐसे ही सब चीजों में वो सोशल वर्क करती है। कोई बच्चे बहुत ही गरीब है उनके लिए एजुकेशन का प्रोवाइड करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो हेल्थ इशू है, उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वो पैसा प्रोवाइड करती हैं और उनके उनके इलाज के लिए वो क्या करते हैं, फंड लाते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सोशल आपके सर्विसेज है जिसको इसको भी सर्विस में लाया गया है। टाइप ऑफ सर्विस में हर एक सर्विस देखना पड़ेगा, बिजनेस सर्विस भी, सोशल सर्विस भी। तो बिजनेस सर्विस आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सभी आपकी बिजनेस सर्विस रिलेटेड है। सोशल सर्विस में है जो आपकी सोशल में, सोशल के वेलफेयर के लिए जो भी हम वर्क करते हैं वो सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस में हम जो भी आपके अंडर लिविंग स्टैंडर्ड है उनको अप करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, हम चीज़ों को बताते हैं, उनके लिए डोनेट करते हैं, फंड लाते हैं, एनजीओ है, हर एक उनके जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ओवरऑल मुझे सभी चीज़ों को हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हम अपने सोशल के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, वही आपका सोशल सर्विस है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल सर्विस है जो आपका, पर्सनल सर्विस आर दो सर्विस विच आर एक्सप्रेस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। दिस सर्विस कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर, दे विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर, दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर प्रिफरेंस एंड डिमांड फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि कस्टमर पे डिपेंड करता है, समझा, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको सर्विस दी जाती है। पर्सनल सर्विस उसी को बोलते हैं जो जो आपके कस्टमर हैं उनके अकॉर्डिंग जो वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे टूरिस्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सब क्या है आपका, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग ये सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। कि आप अगर कोई रेस्टोरेंट में है, आप कस्टमर है, आपको लगा कि हमको इटालियन खाना खाना चाहिए तो इटालियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसी की तरह आपको इंटरटेनमेंट है आपके अकॉर्डिंग, आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग इंटरटेनमेंट लिया जाता है। ये सारी चीजें आपको पर्सनल आपके सर्विस के अकॉर्डिंग होता है, मतलब हमें अपनी पर्सनल सर्विस क्या चाहिए, हमको कौन सा एंटरटेनमेंट ज्यादा अच्छा लगता है या कौन सा चीजें हम यूज करते हैं। कस्टमर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर है तो डिफरेंट डिफरेंट आपके वांट भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके मतलब चीजें भी होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वही आपका पर्सनल सर्विस है। इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हैं टूरिज्म हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सभी चीजें आपके किस में आ जाते हैं, आपके पर्सनल सर्विस में। टूरिज्म में भी होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, किस जगह जाना चाहते हैं, तो आपका अपना एक अलग है। सभी जगह सभी लोग नहीं चाहेंगे कि सभी लोग एक ही जगह जाएंगे घूमने, किसी को यूरोप जाना है, किसी को ऑस्ट्रिया जाना, किसी को पेरिस जाना, तो आपके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसी को हम पर्सनल सर्विस कहते हैं।
ये तीनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स है, आपको गुड्स और ये सर्विस के बारे में समझ में आ गया होगा। गुड्स जो होता है हमारे प्रोडक्ट होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हम बनाते हैं, और आपके सर्विस हैं जिसको हम सर्विस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वर्क में आते हैं। ये आपको जैसे आपको एग्जांपल भी दिए थे कि सर्विस, जैसे डॉक्टर हैं, आप उनके यहाँ गए, तबीयत खराब है तो आपको ट्रीट किए, तो आप वेल हो गए, अच्छे हो गए, ये आपको सर्विस प्रोवाइड की गई है असल में। और प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई हम मार्केट से प्रोडक्ट लाते हैं खरीद के और उसको यूज करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, वही गुड्स और हमारे सर्विस में ये डिफरेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विस हो गया, आपका बिजनेस सर्विस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, पर्सनल सर्विस हो गया। इन द वन वर्ड्स आई एम डिफाइन टू यू, बिजनेस सर्विस इज दो सर्विस विच आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जैसे बैंकिंग हो गया आपका, वेयर हाउसिंग हो गया, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन हो गया, ये सब आपके बिजनेस सर्विस में आते हैं। सोशल सर्विस, हम सोशल के वेलफेयर में सोचते हैं, सोशल सर्विस के लिए हम एनजीओ चलाते हैं, ये सभी चीज़ें आपके सोशल सर्विस में आते हैं। और फिर पर्सनल सर्विस है, इज डिफरेंट कस्टमर के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपको वांट्स को सेटिस्फाई किए जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चीज़ें चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। आपको जैसे इसमें एग्जाम्पल हम दिए, टूरिज्म का दे दिए थे, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए दिए, फिर उसके बाद आपका हो सकता है रेस्टोरेंट है, बहुत सब चीज़ें आजकल के इन द मॉडर्न टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग, आपके जो भी स्टैंडर्ड है, आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो फुलफिल हो जाती है एंटरटेनमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे बैंकिंग, बैंकिंग की सर्विसेज और बैंकिंग होता क्या है असल में, ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव नाइस डे।